नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। महाराष्ट्र की विवादित ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर को लेकर इस वक्त बड़ी खबर आई है। दरअसल पूजा खेड़कर का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसे होल्ड पर रखने का आदेश दे दिया गया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लगातार पूजा खेड़कर विवादों में रही थी और उनके फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे और इसी को देखते हुए जो एकेडमी है उसने पूजा खेड़कर के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसे होल्ड करने का आदेश दे दिया है। मेरे हाथ में इस वक्त वो आदेश है जिसमें कहा गया है कि पूजा खेड़कर को वापस मसूरी आना होगा और मसूरी आने के बाद उन पर जो लीगल एक्शन है वो लिया जाएगा। इस आदेश के अनुसार ये आदेश जारी किया गया है महाराष्ट्र के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की तरफ से, जिनका नाम नितिन गडरे हैं, और उन्होंने ये कहा है कि जो उनके पास आदेश आया हुआ है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी की तरफ से, और उन्होंने ये बताया है कि पूजा खेड़कर जिन्हें ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए वाशिम भेजा गया था उनका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो फिलहाल जो है होल्ड पर कर दिया गया है। साथ ही साथ उनको ये भी कहा गया है कि वो जल्द से जल्द मसूरी वापस आए और मसूरी वापस आने के बाद उनके खिलाफ जो है नेसेसरी एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें कि इस आदेश के अनुसार पूजा खेड़कर को 23 जुलाई तक मसूरी पहुंचना है और वहां उन्हें रिपोर्ट करना है। आपको बता दें कि पूजा खेड़कर के सर्टिफिकेट्स को लेकर कई सारे सवाल उठे थे और जिस तरह से लगातार वो चीज़ों की डिमांड कर रही थी उनको लेकर उनके ऊपर लगातार सवाल उठ रहे थे। आपको ये भी बता दें कि पूजा की जो मेडिकल सर्टिफिकेट है उसको लेकर आज एक बड़ी खबर आई थी। पुणे के जो यशवंतराव चव्हाण मेमोरियल अस्पताल है जहां से उनका एक मेडिकल सर्टिफिकेट इशू किया गया था, वहां के डीन का ये कहना था कि पूजा को महज 7% ही विकलांगता थी और किसी को भी जो सरकारी योजनाएं हैं या फिर सरकारी चीज़ों का लाभ उठाने के लिए मिनिमम 40% विकलांग होना पड़ता है। तो इसके बाद लगातार पूजा की जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको लेकर सवाल उठ रहा था और ये भी कहा जा रहा था कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेकर क्या कोई एक्शन लिया जाएगा, और अब ये एक्शन ले लिया गया है। देखना जरूरी है कि पूजा 23 जुलाई तक मसूरी पहुँचती हैं या नहीं।